लालू जी ने जंगल राज कायम किया था, जिस उस समय जिन्होंने भी लड़ाई उस सरकार के खिलाफ लड़ी है उन सभी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले। आज अगर नीतीश कुमार जी भी बीमार पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं जाके उनके स्वास्थ्य की चिंता करूंगा। क्या बिहार में टूट जाएगी नीतीश तेजस्वी की जोड़ी, ये चर्चाएं चंद दिनों में लगातार बिहार की सियासत में हो रही है। आपको बताएं, जिस तरीके से रामचरितमानस का विवाद छिड़ा है, इसके बाद बीजेपी के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से जब पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा से लगातार आप लोगों की नजदीकियां बढ़ती जा रही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इस पर भी उन्होंने तख्त टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो लगातार समाधान यात्रा पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये समाधान यात्रा कहने मात्र के लिए रह गया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, सुनाते हैं हम आपको। हम लोगों ने से कोई अभी तक कोई मिला नहीं। अगर हमारा कोई प्रवक्ता जाके किसी से भी मिलता, आज अगर नीतीश कुमार जी भी बीमार पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं जाके उनके स्वास्थ्य की चिंता करूंगा। लालू जी भी अगर बीमार पड़े हैं तो हम लोगों का भी था कि भाई उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही क्लियर मैंडेट है कि 1990 से 2005 में जो लालू जी ने जंगल राज कायम किया था, जिस घोटालों के पूरी सरकार थी, पूरे बिहार में अपहरण हत्या के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था, उस समय जिन्होंने भी लड़ाई उस सरकार के खिलाफ लड़ी है उन सभी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो व्यक्ति राजनीतिक तौर पे बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया हो, आज न उनको कोई उनके दल में कोई पूछ रहा है, न विरोधी दल में कोई पूछ रहा है, न देश की राजनीति में कोई पूछ रहा है, और वह व्यक्ति जो इतना डरा हुआ हो कि बिहार का मुख्यमंत्री होने के बाद बिहार की जनता से मिलने में उसको डर लगता हो, शर्म लगता हो, झिझक लगता हो, इतने सारे समाधान यात्रा में वह एक जगह भी आम आदमी से मिल नहीं सके, ऐसे डरे हुए व्यक्ति को कौन अपने साथ रखना चाहिए। यह मेरा प्रॉब्लम नहीं है, जो नेताजी लोग जिस दल में जाते हैं वह उनका प्रॉब्लम है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि बिहार में भाजपा के संगठन को मजबूत करना, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। किस नेता को कौन ठगता है, किस नेता को कौन बेवकूफ बनाता है, कौन नेता किसके साथ रह करके झूठ बोलते हैं या साथ रहते हैं, यह मेरा हेडेक नहीं है। मेरा एक ही काम है, 2024 में हम 36 से ज्यादा कैसे सीट जीत सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है, और इसमें पूरे बिहार की जनता साथ में है कि अगला भी प्रधानमंत्री 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत सरकार के कारण जनता ने यह देख लिया है कि 60 से ज्यादा गरीबों के कल्याण की योजनाएं आज चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने और नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर संजय जायसवाल को आपने सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार का जानाधार बिहार में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं ये मनगढ़ंत यात्रा है। उन्होंने साफ तौर से हमला बोला है और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से उनकी नज़दीकियाँ भले हो सकती है, लेकिन पार्टी का स्टैंड क्लियर है, बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दरकिनार कर दिया कि जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं के द्वारा बिहार में विवादित बयान दिया जा रहा है, बिहार का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, और ये चर्चाएं जो लगातार चल रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार अब टूटने के कगार पर है, तो इस पर संजय जायसवाल ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से निजी संबंध हो सकते हैं, उनके स्पोक पर्सन ने मुलाकात की है, इसके कई और मायने नहीं निकाले जाए। बने रहे बिहार टॉक के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।